फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं। आज है ना, लेट हो गया, आज फिर से लेट उठी हूँ मैं। इसके वास्ते जल्दी जल्दी ना आटा मिलाती हूँ रोटी बनाने के वास्ते। काफ़ी टाइम हो गया साथ होता है, और जल्दी जल्दी बोली थी जल्दी उठी मेरे को। और है ना, नींद ऐसा लगी कि उठ सकी ना मैं। आटा मिला दी हूँ, अब साले वास्ते जाकर रेडी करा। साला मन गया तो एक काम करना था, फ्रिज में से भाजी निकाल दी। भाजी में हरी मिर्च, सालन को कोथमीर, हम बैठ के तीन कर लेते हैं। तीन सौ यहाँ नहीं धुलाती, ये बा बर्तन आज में पड़े थे, इसके वास्ते स्टोव पर ज़्यादा पानी पड़ जाता है हर को। मैं यहाँ धुलाती हूँ बर्तन। और ये चीज़ लीजिए, आलू फिनिश की प्लेट अलग सालना, और ये तोटा को है, तीन टमाटे डाल चूँ इसमें, प्याज डाल चूँ साले में, और ये चिली चिली बना डाल चूँ इसको। ये भी उठाना है, और साथ टाइम होता गनी गनी टाइम होता उठ जा, छोटा उठ गया इसका आवाज़ आता है। मैं आलू और बीन्स का मीठा साला बनाती हूँ, और इसके वास्ते ये प्याज करती हूँ। दो प्याज ली हूँ छोटे छोटे, और तीन मीडियम साइज़ के टमाटे भी ली हूँ। हरी मिर्च भाजी में डालने के वास्ते ली हूँ सब, और उसके साथ में साले के साथ में मैं भाजी भी बनाती हूँ। और भाजी में ज़्यादा क्या भी नहीं डालती मैं, हरी मिर्च और प्याज, सॉल्ट भाजी ताज, और ये बीन्स कट कर ली हूँ, आलू भी कट कर ली हूँ। अभी इन सबको अच्छे से डाल ली हूँ, और कट कर ली भी हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट ले ली हूँ यहाँ पर, एक मैं एक स्पून फुल ले चूँ। मुझे ना नीचे बैठ के कट करने में अच्छा रहता है, इसके वास्ते मैं क्या तो ज़्यादा है कट करने का, मैं नीचे बैठ कर कट करती हूँ। इसमें भाजी बना डालती हूँ, इसमें मसाला बना डालती हूँ। भाजी धो कर रख ली हूँ, मैं इसमें दो स्पून ऑयल डालती हूँ, उसमें तीन स्पून ऑयल डालती हूँ, और ये सब डाल के अच्छे से कट दोनों साइड कर लूँगा। उसके कुछ लेट हो बना के आगे, और दोनों को भी एक तरफ इसे हलाती, एक तरफ इसे हलात मिलाती। एक साइड भाजी को रख डाली हूँ, और एक साइड साले को रख डाली हूँ, मीठे साले को, और दोनों को भी एक साथ पका डालती हूँ। अब इसमें भाजी उठा के डालती हूँ, और साले का ना पकाते समय मिर्ची का पाउडर, हल्दी का पाउडर वो सब साथ में डाल चूँ, साल्ट सब। अब देखो मिर्ची का पाउडर डाल डाली हूँ टमाटे में, और हल्दी का पाउडर भी डाल डाली हूँ, साल्ट भी। अब इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया, इसे थोड़ी देर पका ले चूँ इसे। और ये भाजी थोड़ी पकी है, इसे अच्छे से मिक्स कर चूँ। जब से मैं मिक्स नहीं करी, देखो तो बल्ला क्या फुल दिसी, वो हिलाने में नीचे पड़ती है, को मैं हिला ही नहीं। अब तो आप देखो कितनी कितनी दब नीचे को बैठ गई भाजी। इसमें मैं हाफ स्पून साल्ट डालती हूँ, ज़्यादा बल्ला का डालता तो जल्दी खारी हो जाती भाजी, इसके वास्ते मैं थोड़ा डालती हूँ। और ये मसाला पूरा अच्छे से पक गया, इसमें आलू बीन्स उठा के डालती हूँ उसमें साले में। अब खोपरे की बुकनी, धनिया की बुकनी भी डाली हूँ, इसे भी अच्छे से मिक्स कर ले को। और उसमें पानी डालती हूँ, और पानी डाल के मैं ढक्कन लगा चुकी हूँ, तो खुला रख के थोड़ी देर पकाने के वास्ते टाइम ना है। ये आटा मिला के रखी थी ना, अब उसके मैं पेड़े बना ले चूँ रोटी का। पेड़े डाल डाली हूँ, अब जल्दी जल्दी पेड़ डाल चुके, टाइम हो गए, और भाजी पक गई है, साला थोड़ा पकने का है। रोटी एक बना ली हूँ, और ये एक बेलती हूँ, और एक बाजू साइड में रखी हूँ। भाजी पक्की है, बाजू निकाल के रखी हूँ, साला भी पक गया है। रोटी देखो, बात करते करते दिखाते दिखाते अच्छे रोटी जलने आ गई है, साला पक गया है। अब इसे भी अच्छे से एक बार मिक्स कर ले को, मैं हाफ स्टोव ऑफ करा चूँ, पक गया है साला। और एक रोटी इधर बाजू पकती है, वो देखो फिर लग गए जैसा होगी। बच्चे सब उसला चल गए, और अभी भी मैं बाहर झाड़ से ये करपाक तोड़ लग आ गई हूँ। और नहीं तो गली में रखे करना झाड़ को, तोड़ ले चल जाती हूँ पत्ते पूरे खरपा के।
और ये तो लगा गई हूँ, खला पिला को भेज रही हूँ और बर्तन धोने आए थे उन्होंने धो दाल को चल गए और मैं शिंग धो के हरक मैं बे लेना का है रोटी पका लेना का है और टैबलेट डाली हूँ नहर पेट और खाना खाए अब फिर घर क्लीन करने का है झाड़ने का और सब काम हो गया। मुझे बाहर कौन की बुलाई सका आवाज़ आया और इसके वास्ते आग झाकी तो कौन ना ही सामसुम है गली और जाते जाते ऐसे वाले जाते आते हैं और कौन भी बुलाई सका नहीं वैसा आवाज़ आया बुलाई जैसा। यहाँ पर मैं ही सब पुदीने के झाड़ा लगी हूँ और अभी अभी लगी हूँ एक आधा घंटा ऐसा हुआ फ्रिज पुराने वाले फ्रिज में का वो तो इसमें मैं थोड़ी मिट्टी डालकर रखूँ फिलहाल आपके वास्ते। क्लीन कर दे रही हूँ और दोपहर के दो होता है टाइम और दोपहर का भी खाना हूँ नाश्ता होगा मेरा सुबह में च और या ना हफ्ते के दिन शाम में घर के सामने बहुत बड़ी चोरी हुई और मालूम भी हुआ नहीं हफ्ते के शाम में वो हफ्ते के दिन गोंग गएंगे थे दोपहर को ऐसा वो क्या मालूम कर लेंगे है कि चोरा वो ना आपको पीछे के रास्ते से चोरों के घर को गए हैं उनका गोल्ड बहुत सारा उठा ले चले गए थे बेटी का भी था कहते गोल्ड उसमें और काफ़ी पापा उनको इतवार के शाम पड़ते मालूम है गली वाले हमको भी और कहते तो सामने का डर नहीं ना पीछे से करे हैं सब इसके वास्ते कहाँ से उतरे हैं कि वहाँ सब लाल मिर्ची का पाउडर छिनक डाले और घर के साबुन उठा ले जब पीछे हाथों धोए भी हैं कहते उन्होंने और मुझे भी गली वाले बोल लेते हैं तो मालूम हुआ मैं भी वहाँ तक गई नहीं बहुत सारे आदमी आए थे गली के गए थे उन्होंने फ़ोन करके उनको बोले हैं ऐसा तुम्हारे घर में चोर गई है घर को फिर उन्होंने वहाँ से आई दूर घूम गए थे सुनो फिर आग देखे तो पाप बहुत रोए आंटी वो बहुत दिल दर्द हुआ मुझे भी देखो बहुत गोल्ड गया कहते बोलते थे और पुलिस वाले आते इंक्वायरी करते पूछते डालते ही अभी अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ यहाँ यहाँ आज मेरी ड्यूटी है रेहान को बुला ले करने की और निकल चुके अपना भी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम गली में सब बैठे हैं तो दोनों बच्चे भी अरबी पढ़ने के वास्ते गए हैं अजान देते हैं भाला लगा दें सा हाँ अस्सलाम वालेकुम रोड सीधा ना है वो भागले गाने का वास्ते सीधा रख मां ये खाली था इसमें मैंने पानी डाला ये इसमें मैं मोटा मिल क्या ये पन में सच में आ गया हवा हाँ लिया मैं इनको ऐसा करके कपड़े में भरा लेते हैं पानी उसमें। क्या इसमें गनी के डैडी भी ड्यूटी से आ गए थे और गनी है ना एग्जाम के पेपर लगा को दिखाता है अच्छा फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।